केजरीवाल ने सीए पर जो भ्रम फैलाया है, और क्या वाकई भ्रम फैलाया है, क्या जवाब था अमित शाह? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे, उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी सीए के खिलाफ क्यों? अमित शाह ने इस पर क्या कहा? आपको यह जवाब भी सुनना चाहिए जी। कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हमारे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करें सीए पर और समझाएं, जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। उद्धव ठाकरे ने भी तो सीए को तुष्टीकरण के लिए जो कहा है, जो बातें उद्धव ठाकरे ने क्या कही, उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये अल्पसंख्यकों को डराने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया उद्धव ठाकरे को, सुनिए। मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा। आपका इशारा आई वॉस आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, ये तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए। मन में आपके जो भी सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह देते हुए नजर आए, और इसीलिए आज गूंज में कुछ अहम सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमानों को बुलाया। लेकिन वो सवाल क्या है, वो सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। सवाल ये कि क्या सीए पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद क्या सीए से नागरिकता जाने का डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये भी कि सीए को हिंसा और दंगों से जोड़ने की क्या कोशिश हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान बकायदा आए हुए हैं। आपसे भी मेरा एक सवाल है, और उसके बाद मैं डिबेट शुरू कर रही हूँ। क्या सीए पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष, आपका दिल क्या कहता है, आप तथ्यों को देखकर क्या समझ पा रहे हैं? हाँ, भ्रम फैला रहा है, नहीं या पता नहीं, वोट करते रहिएगा। रिजल्ट अंत में हम अनाउंस करने वाले हैं। अब दो बहुत ही खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। लेकिन यहाँ पोल की गूंज आप अंत में देखने वाले हैं, देख लीजिए, ट्विटर पर जाइए न्यूज 18 इंडिया के टाइमलाइन पर, और वहाँ ये सवाल है, क्या सीए पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष, हाँ नहीं पता नहीं पर आप जवाब दे सकते हैं। इस डिबेट में शिरकत करने के लिए मैं यहाँ इनवाइट करूंगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वालेकुम अस्सलाम, रमजान मुबारक आपको। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी, जिनको मैं स्टूडियो में इनवाइट करना चाहूंगी। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दो मेहमानों के अलावा आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी, आपको स्क्रीन पर अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे, इनफैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की धाकड़ प्रवक्ता जूही सिंह भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मैं शुरुआत कर रही हूँ संजीव कौशिक आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अक्सर आप समर्थन करते हैं, सीए को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, क्यों, क्या वजह है?